आई कांट टेल यू। और आजकल तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं। न्यूज पे ही देखते हो तो फिर मैं क्या बोलूं? जो नेगेटिव है वो ज्यादा पॉजिटिव है। बस बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। राहुल सर आपसे सवाल है कि जो बदलाव आया है आप नेटिव की बात करते हैं तो आज की जो कहानी होती है तो गाली से स्टार्ट होती है तो कितना बदलाव है। 92 में कुछ कहानियां लिखी जाती थी तो शेर से लिखी जाती थी, आजकल कहानियां गाली से लिखी जाती, तो क्या मायने रखते हैं आप? ये सब कितना बदलाव है? बदलाव तो बहुत है एंड मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है। मेरे साथ गालियों से जो गाना होता है या जो कुछ भी होता है, क्योंकि मैंने वैसे गाने कभी किए नहीं हैं और यकीनन मैं वैसे गाने कभी करूँगा नहीं। और आजकल जितनी भी फिल्में जो मैं कर भी रहा हूँ या जो कुछ भी है, बहुत कम बैकग्राउंड म्यूजिक में करते हैं, अभी इतना मिक्सिंग नहीं होता है। पर जब कोई बहुत बड़ा गाना आ जाता है और बहुत ही खूबसूरत गाना आ जाता है देन ओनली आई डू। बाकी जो काम लोग करते हैं मुझे क्या लेना देना उनसे वगैरह, आई डोंट केयर। मैं उनके प्रोजेक्ट्स में मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे को वो फिल्में मेरे को जो पसंद आती है करने के लिए, जो मेरे सेंसिबिलिटी के हिसाब से मैं करना चाहता हूँ, मैं वैसे काम करना चाहता हूँ। राहुल जी, संजू के साथ और श्रीदेवी के जो गुमराह थे उसमें भी अलग ही किरदार था आपका, साइलेंट था, तो उसके बारे में कितना उस टाइम आप प्यार भरे वक्त फिल्में कर रहे थे, उस टाइम आपकी शुरुआत थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी ये रोल प्यार मुलाकात और वो सब वहाँ पे भी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा मैं। गुमराह की अगर बात करें, गुमराह देखिए एक अलग कहानी थी जिसमें मेरा किरदार ऐसा था कि मेरे को श्री मैम को मेरे को पटाना था, मेरे को बहुत कुछ करना चाहता, मेरी जो विचारधारा वहाँ पे कुछ अलग थी। तो वो गुमराह फिल्म जो बनी थी उस टाइम पे, आई थिंक नेचुरली क्योंकि पहले मैं भी नर्वस होता था कि मैं मैम के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ वगैरह, बट मुझे मैम वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक उनके साथ काम करने के लिए। एंड संजू जी तो खैर मेरे स्कूल में मेरे साथ मेरे सीनियर थे, बट सबसे चीज़ें जो कुछ भी मैंने नटखट चीज़ें सीखी हुई हैं संजू जी से सीखी हैं, बिकॉज रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग है, इट्स फैंटास्टिक। बट भट्ट साहब का काम था एंड भट्ट साहब वॉन्टेड मी टू डू दैट फिल्म, तो मैंने पहली बार एक थोड़ा सा हटके एक जो दबा हुआ होता है लेकिन फिर भी अपनी विचारधारा से वो कोशिश करता है गलत करने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत तगड़ा रोल किया था जुनून में, तो वैसे टाइप का, और फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि कुछ नेगेटिव रोल करिए कुछ करिए, बट बहुत कम मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए कोई ऐसा रोल मिलता है जिससे मेरे को लगे कि इतना बढ़िया रोल होगा या काम होगा वगैरह, क्योंकि वो वैसे टाइप के रोल होते हैं जिसमें कोई भी एक्टर काम कर सकता है और मेरे को वैसा टाइप का रोल करना ही नहीं है मुझे। इस वाक्य में वो समथिंग वेरी डिफरेंट, वो जिस तरीके से पेश भी किया गया था जो कुछ भी था इट वॉज सो मच मोर डिफरेंट, तो यकीन मेरे को लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आया। The answer to that would be that I saw a promise in Tanmay. Basically, when a film is being made, you have to have faith in the director, and of course, very, very important is who he's casting. So here we knew that it is a fresh package. It was fresh faces being launched, like Tanmay and Muskan. And here, what attracted me was that the music was very good. And also, because I come from a family that has given such hit music and before, and we were always associated a lot of importance with music whenever we've done our films. तो उसके कारण हमें लगा कि अलॉन्ग विद द न्यू कास्ट, अगर जब म्यूजिक इतनी स्ट्रॉन्ग है
and we have a passionate director like Nitin, and he wants to give you an action-packed thriller along with the best music, recreating Sayoni and all the other songs. Aapne sirf ek gaana suna hai, but as we move along, you will be seeing the other songs of the film. Each and every song is a hit, and all the singers, the playback singers, are the top singers. And ये बात मुझे अच्छी लगी कि we are combining the hit singers with fresh talent in the music industry as in the music directors. तो ये एक बहुत fresh package था. तो I thought it was a plus point, you know, the music, Sayoni and bringing this action packed thriller. हमारे घर में आर्टिस्ट रहते थे सुबह से लेके शाम तक. आई कुड सी इवन ऑल द एक्टर्स इन माय फादर्स हाउस एज ग्रोइंग अप चिल्ड्रन. हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे, तो अक्षय कुमार बैठे होते थे हमारे घर में डैडी को मिलने के लिए, और काफी अदर एक्टर्स. And Rishi Kapoor ji was very close to my father and Neetu Singh because they were cast for the first time as a romantic jodi by my father in Rappu Chakkar, which was a huge hit. So ye sare hamari family hua karte the, and they were always around us in the house. Aur Dharmendra uncle ke liye hamare ghar mein paya banta tha, unke ghar mein paya jata tha hamare ghar se, kyunki paya is his favorite dish. तो हर एक का एक अलग ही वो होता था कि हमें ये खाना है, हमें कबाब खाना है. तो हमारा भटियारा दिन रात पकारा होता था फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. तो ऐसे हम पले बड़े हैं, एंड कभी सोचा ही नहीं एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि डैडी वाज एक्चुअली अ बिल्डर. ही वाज फ्रॉम रियल एस्टेट. ही हैड बिल्डिंग बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लैंड ओनर्स, एंड दे गॉट इनटू फिल्म मेकिंग बाय डिफॉल्ट. So he was a very professional, like he was a business minded person. वो filmy kind of person नहीं थे. वो sets पर जाते थे सुबह 6 बजे. He was the first one who would open the sheds and the shades for shooting before the light man and everything. A real Gujarati businessman. So he would be on the sets first. ऐसे नहीं कि producer बाद में आ रहा है. He would be the first one. He would take the accounts at the end of the day. Light man, ये क्या हुआ? Sound equipment. मशीन, बेबी, डॉली, ये वो. तो बचपन से हम ये नाम सुनते आ रहे हैं. तो ही वुड सिट, ही वुड टेक द अकाउंट्स, एंड ही वुड ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस प्रोफेशन. तो ही नेवर एवर वांटेड कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आए. आई डोंट थिंक ही वुड वांट इट. हमने कभी हिम्मत ही नहीं की कि हम डैडी से कहें कि हमें एक्ट्रेस बनना है, क्योंकि वी न्यू कि भाई डैडी तो बिजनेस मैन है. आई डोंट नो हाउ ही विल टेक इट. सो वी नेवर एवर थॉट ऑफ एक्टिंग. और बहुत जल्दी शादी हो गई. आई वॉज वेरी वेरी यंग एंड आई गॉट मैरिड इन कॉलेज इटसेल्फ टू माय कॉलेज स्वीटहार्ट, दैट इज मोहम्मद मोरानी. सो वी बोथ इन कॉलेज, वी स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर. मोहम्मद स्टार्टेड द एंटरटेनमेंट बिजनेस इन 1990, एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, एंड ही वॉज रेयरिंग टू डू समथिंग डिफरेंट. His family made films like Raja Hindustani, Damini. Of course, he was part of it because he did the action and he did all of that. And he did the pyrotechnics for the film. He had his own fireworks factory and Morani fireworks, you must be knowing. So we were doing film effects and special effects for the film industry as well. So we were in college mein hua karte the, and I used to go for these pyrotechnic shows with Mohammed. So he used to be doing all this. तो ये जब शोज करते थे, एंड देन एवरीबॉडी वुड नो दैट भाई आप शोज कर रहे हैं इतने बड़े, तो एंड योर फैमिली इज आल्सो मेकिंग मूवीज एंड एवरीथिंग, सो व्हाई डोंट यू कंबाइन दिस. सो मोहम्मद सेड यस, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग फिल्म्स. आई वांट टू डू एंटरटेनमेंट. आई वांट टू ब्रिंग पायरोटेक्निक्स, आई वांट टू ब्रिंग फायरवर्क्स, आई वांट टू ब्रिंग केटरिंग, आई वांट टू ब्रिंग फूड, लाइट, साउंड ऑन स्टेज, एज वेल एज आर्टिस्ट एंड बी एसोसिएटेड विद द आर्टिस्ट. बिकॉज बचपन से ही हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था विद द आर्टिस्ट, लाइक सनी देओल ग्रू अप विद मोहम्मद एंड करीम, एंड ऑफ कोर्स सनी वाज अ फ्रेंड ऑफ मोहम्मद एंड द ब्रदर करीम, बट दीस पीपल वर इन आवर हाउस ऑल द टाइम इवन आफ्टर वी गॉट मैरिड. सो मोहम्मद स्टार्टेड एंटरटेनमेंट एट सिनेयुग एंटरटेनमेंट, एंड ही टुक अ डाइवर्जन फ्रॉम सिनेयुग फिल्म्स. सो वी स्टार्टेड द करियर्स टुगेदर, एंड इवन व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग स्टेज शोज, Bachchan sir was one of the first stars that we took to London and America and Europe and all over. And Juhi Chawla was there, Aamir Khan was there, Sridevi was there on that show, I remember. So we were very, very young.
एंड द कोरियोग्राफर सेड कि यू नो ये स्टेज शो हो रहा है एंड मतलब सर के लिए हमें एक यंग लड़की चाहिए हु ही कैन फ्लर्ट विद ऑन स्टेज. वो गाना गा रहे हैं, एक यंग लड़की आती है फ्रॉम द ऑडियंस and she has to come on stage when Bachchan sir calls her and she has to dance with Bachchan sir and in the end she has to just shirk off and walk off as if bahut bhav ka rahi hai. So they said abhi audience mein se kisko uthayenge because unko to script pe pata nahi hai. So lucky, why don't you sit in the audience because you know everything what is happening, the dress, the choreography, the ye, the wo. So they said when Bachchan sir bulayenge aap please aaiye on stage and you do this act and you go. So I was really really shy. I said I don't know. फिर भी कर लेते हैं. तो मस्ती मस्ती में I came on the stage and I did the whole act with Bachchan sir and I went off and it was a very nice moment because we all laughed in the end and we said lucky देखो अभी आपका stage debut तो हो ही गया. Now you have to take it forward. And then of course I took up theatre in 2005-2006 under Nadara Babbar and I started acting. So I'm a stage actor. I do a lot of English musicals and Hindi musicals. I've done Sound of Music and Cineyug launched me as the lead in City of Dreams. So I've done City of Dreams. These are all stage musicals that I have done. So I am an actor at the end of the day. किस तरह से ये फिल्म स्टार्ट हुई और कैसे लोग जुड़े और किस तरह से थोड़ा बहुत उसके बारे में. जी, सो फिल्म स्टार्ट हुई हमारे एक और राइटर है विशाल जी, तो मैं उनको जानता था. तो उन्होंने मुझे नितिन जी से मिलवाया था. देन उस वक्त कभी ये फिल्म का एडिटिंग के दिमाग में नहीं था. तब सडनली आफ्टर दैट मैं भी दिल्ली वापस चला गया था कि मैं मुंबई शिफ्ट हुआ. I used to do a Nukkad Natak with Arvind Varji. So I was in Gateway as well. So then suddenly the phone comes that there's a film come and just audition. Okay, I'm coming to Mumbai. I'm going to see it. I'm going to see it. Then suddenly one day the sound is coming. So luckily, they then gave me those auditions. That means I passed one level. That I remember in the office there was a pole that said, "Pole, you can climb." मेरा पोल डांस है क्या तो ये नहीं एक्शन है पोल में वो जो इसमें करना कि सारे भाग रहे पेंटिंग से वो करने से. तो मैंने ठीक है, तो उस टाइम में मैं जिमनाजियम वगैरह भी सब सीख ही रहा था तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है मैंने कर दिया लकी और भी गया. तो तब मुझे ये फिल्म का शुरुआत हुई वहाँ से. That's again my opinion. I don't even listen to it because मेरे को समझ में भी नहीं आता कि आदमी lyrics क्या बोल रहा है, ऐसी भाषा कैसे बात करता है. But that's my opinion. I don't say that everybody should look out कि ऐसी opinion होनी चाहिए. But there is absolutely no depth. उन दिनों में जब गाने होते थे, you would as an actor, you used to feel कि वो गाने में है क्या. और फिर जब दर्शाया जाता था पीपल यूज टू रियली फील गो विद दैट इमोशन. यहाँ तो कुछ कट 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 ऐसा बन जाता है, कुछ भी बन जाता है दैट यू डोंट इवन हैव द टाइम टू रियलाइज के व्हाट आर द इमोशंस और बोल क्या रहे हैं. सो आई ऑनेस्टली डोंट लाइक द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट इज देयर. देयर आर वेरी वेरी फ्यू सॉन्ग्स दैट आई वुड से yes, I would like to hear it again. Sir, the characters are very complex. Dating characters like you and Bachchan, there is no simplicity factor. People can't connect with the character. Sir, जैसे life है, जैसे life है, वैसे ही चल रहा है सब लोगों का. There are more complications and there is more layers to characters.
तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स दैट आर एबल टू ब्रिंग दैट आउट इन द स्टोरीज टुडे बट व्हेन यू हैव टू मच ऑन द प्लेट और आप उस चीज को सही तरीके से दर्शा नहीं सकते या अपन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली दो स्क्रिप्ट्स आर एट फॉल्ट बट आई डू मैं इतना तो जानता हूँ कि देर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स जो आजकल जो काम कर रहे हैं आई एम फाइंडिंग इट मेरे लिए दिस इज मोर एक्साइटिंग कि आज मैं ऐसी टाइप की फिल्मों में मैं काम करने लगा हूँ मैं बिकॉज ये ग्रुप होती है ना वहाँ से 90s वगैरह बिकॉज वी कांट रिक्रिएट दैट काइंड ऑफ सिनेमा और दैट काइंड ऑफ स्टोरीज एंड थिंग्स लाइक दैट सो नाउ वी ट्राई टू दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स And that's the way I want to try and develop myself, my skills. वो बताएं। Sorry? पहले तो मैं ये music पे ये कहना चाहूँगी। Is this working? It's not on. Your question about music. Since I'm very closely associated with music, I run a company called Lucky's Music Club. I promote fresh talent, new talent in the music world. Also, we do shows with already existing talent and the veterans in the music industry. तो टू योर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से कि ऐसा नहीं है कि आजकल की मूवीज में सारी म्यूजिक खराब है या लिरिक्स खराब है लाइक माय फेवरेट एल्बम इज कबीर सिंह आई लव द एल्बम आई लव ऑल द सॉन्ग्स इन कबीर सिंह आई लव द म्यूजिक आई लव द लिरिक्स एंड द फील जो ये महसूस कराता है हमें ये म्यूजिक ऑफ कबीर सिंह सो देयर आर मूवीज लेकिन music directors and lyricists have to be really careful कि वो they keep this kind of meaning in their songs. वो जो funny funny टपोरी जैसे गाने होते हैं वो नहीं जमते हैं of course हमें. We like meaningful music and melodious music, which we do have nowadays. But I don't know. Depends on the audience. I don't know. कुछ पसंद करता है कोई कुछ पसंद करता है. So तो TikTok पे भी तो स्टार बनते हैं. हाँ. So I think meaningful music can exist depends on the demand agar demand hoga to supply hoga you know so if we make these kind of albums hit jo tabori jaise gaane hain to fir aapko wo paise gaane milenge aur agar ye album top of the charts karenge jo melodious meaningful songs hai to fir ye aapko milega you know from the industry it depends what the trend is and I think we should keep the trend up of melodious music rao mere taraf se last question ये तो कोविड से पहले हम लोगों ने काम किया था ये तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं चाहे हम लोग उसको फिल्मों में दर्शाते हैं या एनीवेयर ये तो कैरेक्टर्स रियल हैं दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर एवरीवेयर एंड बीन फॉरएवर एंड ये जाने वाला नहीं है कोई कुछ भी कह दे वो कहीं ना कहीं अपने तरफ से कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं तो एज अ एक्टर मेरा काम है टू प्ले दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स और देम बीन प्लेइंग दोस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स विद मी ये कहानी वैसे है वरना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कोई भी फिल्म एवरी फिल्म कैनॉट जस्ट बी अ फैमिली फिल्म एवरी फिल्म कैनॉट बी लाइक जैसे किसी पंडित जी या किसी का भी कहानी हम लोग नहीं कर सकते हैं अभी पीपल नीड दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मोर देन इनफ दे गो बियॉन्ड वो ड्रग्स या आर्म्स या प्रोस्टिट्यूशन पे दे गो इन टू दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स के वो किस वजह से उन हालातों में वो लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं या जो कुछ भी होता है एंड देन यू ब्रिंग दोज कैरेक्टर्स एंड द स्टोरीज आउट तो वी डोंट मैं ऐसा नहीं कहता हूँ दैट आई वॉन्ट टू प्ले अ ड्रग
guy or I want to feel that मैं देखता हूँ कि ये type के characters जो आते हैं उनकी क्या वजह होती है, उनकी मानसिकता क्या होती है ये सब चीजें करने के लिए. And that is only what to be done for me to in this kind of a platform. फिल्में हो, web series हो, जो कुछ भी हो वो करते हैं. तो I just want to play those kind of characters. अब yes, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को ठीक लगेगा. That everybody is going to have that kind of an opinion, and they should also. They should also. But I would rather say कि एक बारी people get to know more about this film, then they will judge actually what the story is and what the kahani is, the story is trying to tell. Also, what is the opinion about your first poster? Was going through a lot. She's a great girl, yeah. She had an accident, she came out of it, and she's doing a lot of social service and a lot of things. I think she's absolutely great. लोग कुछ भी कहते हैं उनके बारे में, because she's their opinion of what is supposed to be beauty or not. But I honestly think that Anu has done great work and continuously the kind of path जो उसने ली हुई है वो बहुत ही खूबसूरत path है. And I will always wish her all the very best जब वो एक सब काम करना चाहती है. If you don't want to do films, that is your problem. कोई बड़ी बात नहीं होती. फिल्मों में अगर कोई काम नहीं करता है तो इतनी बड़ी बात उस चीज़ को बनाना, I think that is absolutely wrong. It's your choice. काम करना है या नहीं करना है. So, जो बात वो ले ली है, I think very good. मैं उसके साथ कुछ shows करता हूँ. I have gone and done events with her, even in London and Birmingham and things like that. She's very good. I mean, even in couples I've gone. So I think she's very good there. Yeah. There's no problem. Today, Bengali films are doing a lot of good work. हिंदी फिल्मों में तो काम मिल जाए, बॉलीवुड की बात कर रहे हो यार, आएगा तो करेंगे ऑफ कोर्स. बट आई एम थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ मैं, कुछ लोग आ रहे हैं काम करने के लिए तो कर रहे हैं यहाँ से कर रहे. बट यस आप करेंगे. थैंक यू. ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ, गाने की बात करूँ, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ब्यूटीफुल लगे. अगर आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद सयोनी के साथ? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. एंड जो भी आपने देखा वो ट्रेलर नहीं, वो शो रील था. ट्रेलर अभी आना बाकी है, उसमें आपको फिर और नए चीज़ें दिखेंगी जो हमने अभी आपने नहीं देखी. एंड एज यू नो कि इट्स अ म्यूजिकल थ्रिलर, सो थ्रिलर के लिए थ्रिलर फिल्म देखना पड़ेगा. और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस तो एकदम ड्रीम कम ट्रूथ वाला है. क्योंकि एक मैं दिल्ली में कहाँ स्ट्रीट प्ले कर रहा था, जो मैंने खुद अपनी इच्छा से ज्वाइन किया था कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए. क्योंकि कैमरा फेसिंग एक अलग चीज़ होती है, कॉन्फिडेंट एक अलग चीज़ होती है. हम यहाँ रीटेक्स दे सकते हैं, वहाँ नहीं दे सकते. और मैंने बहुत सीखा उनसे. अरविंद गौर सर है, आई गेस उनके साथ मैंने वर्कशॉप की थी. कुछ एक्सरसाइजें होती है, वो होती है. एंड देन मैं मुंबई जब आया तब मैंने यहाँ जेफ गोल्डबर्ग सर के साथ, आई अटेंडेड जेफ गोल्डबर्ग्स मेथड एक्टिंग स्टूडियो ऑल्सो. तो मेरा पहले से ही हमेशा थिएटर वालों का ही मैं फॉलो करता रहा हूँ. और अगर कमर्शियल्स में देखे तो शाहरुख सर है ही, और दिल्ली से हूँ तो फिर तो वो है ही, गारंटेड आइडल हमारे. बट सयोनी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अभी जैसे एक्शन सीन्स खुद करे, वो मतलब ऐसे कई एक्सपीरियंस है जो उस वक्त लग रहा था ये क्या कर रहा हूँ, बट ठीक है कि अब अच्छा लग रहा है. एक्शन सीन है, रोमांटिक सीन है, रोमांस है, एक्शन है, थ्रिलर है इसमें, और म्यूजिकल है बेस्ट पार्ट. कि कई गाने ऐसे हैं जो आपको फिल्म में वीडियो वाइज नहीं दिखेंगे,